आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 11 हीरोन्स फॉर्मूला। इस चैप्टर का नाम है कि हीरोन्स फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने के लिए। पहला टॉपिक इससे देखो हम एरिया ट्राइंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला फार्मूला दिया था हीरोन ने ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने के लिए, उसी को हम हीरोन्स फार्मूला कहते हैं या इसको हीरोज फार्मूला भी कहते हैं। हीरोन्स फार्मूला इसको हीरोज फार्मूला ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला है। हीरोन फार्मूला है क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट ऑफ S into S minus A into S minus B into S minus C इसके बराबर क्या है? ये हमारे पास A B C R sides of the triangle। A B C क्या होंगे? ट्राइंगल की तीन साइड्स, A फर्स्ट साइड, B सेकंड साइड और C क्या है? थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। एंड ये वाली टर्म S S, इसको हम क्या बोलेंगे? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर यानी हाफ ऑफ द पेरीमीटर, या इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर होता है ना सम ऑफ द साइड्स, तो सेम पेरीमीटर आया सम ऑफ ऑल साइड बाई टू पेरीमीटर का हाफ। यह है हमारे पास S। तो ये हीरोन्स फॉर्मूला, इसके इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपके पास फैमिली की साइड थ्री साइड थ्री हो तो उसके इसमें हीरोन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं उस एरिया फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दिया गया है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है उसके पे क्या इंडिकेट, आप देखे हो क्या रोड साइड बोर्ड लगे होते हैं ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, तो उस पर क्या लिखा हुआ स्कूल अहेड या शार्प वगैरह इस टाइप के बोर्ड्स लगे होते हैं, तो वो बोर्ड की शेप इक्वेटर ट्राइंगल और उसकी साइड क्या है दी है ए। इक्वेटर ट्राइंगल है जिसकी साइड ए है, हम एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड फाइंड करना बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। ठीक, इसके एरिया निकालेंगे। फिर आगे इसको पूछा है तो पैरामीटर, उसको पैरामीटर 180 है किसका? सिग्नल बोर्ड का, ट्राइंगल का, सिग्नल बोर्ड का। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, उसके इसको एरिया क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी साइड ए लेके इसका एरिया फाइंड करेंगे, इसे हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके इसका एरिया फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द शेप ऑफ द सिग्नल बोर्ड यहाँ पे लिखो, शेप ऑफ द सिग्नल बोर्ड इज सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल ट्राइंगल ऑफ साइड ए, ऑफ साइड ए और इक्विलेटरल ट्राइंगल इज साइड ए व्हिच इंप्लाइज दैट पेरिमीटर क्या आ जाएगा, इट्स पेरिमीटर इज इक्वल टू ए प्लस ए के बराबर व्हिच इज इक्वल टू 3 mm इज द पेरिमीटर ऑफ सिंगल बोर्ड व्हिच इंप्लाइज दैट सेमी पेरिमीटर सेम पैरामीटर एस से हम डिनोट करते हैं, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 पैरामीटर का हाफ आया सेम पैरामीटर। एरिया ऑफ सिंगल बोर्ड हमने क्या फाइंड कर लिया, फाइंड एरिया ऑफ सिंगल बोर्ड, एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड इसी बोर्ड को इसके बराबर आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, या यहाँ पे मेंशन भी करो बाई हीरोन्स फॉर्मूला, सेम डायमीटर निकला तो बाई हीरोन्स फॉर्मूला फॉर्मूला एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड इसी बोर्ड को इसके बराबर आएगा
एरिया आपका ट्राइंगल, क्योंकि शेप उसकी ट्राइंगुलर है, ट्राइंगल विच इज इक्वल टू किस तरह रहेगा, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एस इज सेम ट्राइंगल विच इज इक्वल टू 3/2 इंटू 3/2 माइनस ए का, यही देखो फर्स्ट साइड इसकी यही है, फिर इधर एस का 3/2 माइनस बी सेकेंड साइड भी इसकी किसके बराबर है, ए के बराबर है, एंड 3/2 माइनस थर्ड साइड भी यही है, इक्वेटर ट्रायंगल तीनों साइड ए के बराबर है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा किसके बराबर, 3/2 इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको मैं ये वाला प्रोडक्ट लिखता हूँ, इंटू 3/2 में से ए को सब्ट्रैक्ट किया, देखो इधर 2 ए 3 में से ए गया तो नीचे 2 ए/2 इधर भी a/2 इधर भी a/2, तो इसी को आप लिख सकते हो, थोड़ा सा से बता देता हूँ इसको, यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करते हैं, तो विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास रूट अंदर 3 इंटू इधर देखो a की पावर क्या है, 4 टाइम्स आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ a² + 2 अपॉन इधर भी 2 4 टाइम्स आ रहा है, इसका भी 2² का स्क्वायर तो विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास, ये 3 के ऊपर रूट ऐसे लिखो √3/2² में रूट को कैंसिल किया 2² आया तो 4 और a² का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होती है, ये निकल गया इसका आंसर, इतने यूनिट्स क्या आया हमारे पास, यूनिट्स फार्मूला से एरिया ऑफ सिंगल होल, फिर ने कहा पैरामीटर क्वांटिटी व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिंगल होल, आल्सो इफ पैरामीटर इज इक्वल टू 180 के बराबर है इंप्लाइज दैट 3a इसके बराबर आ जाएगा, पैरामीटर फार्मूला क्या होता है 3 को साइड 180 व्हिच इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 180 अपॉन साइड जब डिवाइड हो गया किसके बराबर आया 60, तो ए कितनी निकली साइड से कितनी निकली 60 मीटर के बराबर, तो उस केस में एरिया ऑफ सिंगल बोर्ड किसके बराबर होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड इस केस में एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड इस ए की वैल्यू जो 60 इसमें सब्स्टिट्यूट करो क्या आएगा √3/4 a² इसका 60² विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा √3/4 × 3600, तो विच इज इक्वल टू 36 इसको डिवाइड किया जाएगा 900, इसको आप लिख सकते हो 900 √3 यूनिट क्या था इसका सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे एरिया फिर आएगा सेंटीमीटर आता है, इसी बेसिस पे सेकंड क्वेश्चन आप खुद देखो, इसमें ये साइड्स जो है दी गई है ट्रायंगुलर साइड वॉल्स की ए बी और सी लेनी है आपने, ए बी और सी आपके पास गिवन है, इसे सेम डायमीटर निकाल के एरिया निकालो, फिर एरिया निकालो तो एरिया से उसकी कॉस्ट निकलेगी 1 m² की, बी 5000 है तो जितने मीटर स्क्वेयर निकलेगा उसको 5000 से मल्टीप्लाई करना, बट ये पर ईयर 3 months के लिए निकालना है, 3 months को ईयर्स में चेंज करना, 3 months किसके बराबर होता है 3/12 years के बराबर होता है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, देयर इज अ बॉल वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज कंटेन्ड इन सम मैसेज, एक मैसेज उस बॉल की किसी साइड वॉल पे लिखा कीप द बॉल ग्रीन एंड क्लीन, इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर तो साइड वॉल की साइड ट्रायंगल शेप में 15 m, 11 m एंड 6 m ये उसकी साइड दी गई, हमें एरिया पेंटेड कलर वो एरिया निकालना है जो कलर से पेंट किया गया जिसमें लिखा गया है,
तो इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री में तीन साइड्स को आप ए बी सी लो, एयर गिवन फर्स्ट साइड किसके बराबर, इसको ए रखो और ये क्या हमारे पास 15 मीटर, बी किसके बराबर है हमारे पास 11 मीटर एंड सी किसके बराबर है हमारे पास 6 मीटर थर्ड साइड से ट्रायंगुलर साइड बना के, तो विच इंप्लाइज दैट एस किसके बराबर आएगा 6 मीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, ये निकालते हैं 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन टू विच इज इक्वल टू, ये क्या आएगा 15 11 26 प्लस 13 टू अपॉन टू इज इक्वल टू 16 मीटर, इसके क्या आंसर सेम पैरामीटर बाय हीरोन फार्मूला फॉर्मूला क्या जाएगा फाइंड एरिया पे प्रिंट करता है एरिया पेंटिंग कलर किसके बराबर आएगा एरिया पेंटेड इन कलर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल ट्रायंगल के बराबर विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करो क्या है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के बराबर विच इज इक्वल टू रूट ऑफ या जाएगा एस की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 16 इंटू 16 माइनस ए इज 15 16 माइनस बी इज 11 एंड 16 माइनस सी इज 6 के बराबर 16 ऐसे ही इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10 के इक्वल आएगा, इसी को आगे सॉल्व करो तो ये आ जाएगा कि 16 के फैक्टर्स क्या आएंगे 4 इंटू 4 2 इंटू 5 एंड 16 तो लिखो 4 इंटू 4 ठीक है इंटू 1 तो ऐसे ही 5 को 5 लिखो इंटू 10 के फ्रैक्टर्स निकाले तो आएंगे 2 इंटू 5 को 5 जा 10 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 के ऊपर भी स्क्वायर इंटू 5 के ऊपर भी स्क्वायर इंटू ये 2 अकेला है तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 4 अपने स्क्वायर से रूट को कैंसिल करके बाहर 5 भी बाहर और 2 अंडर रूट के अंदर विच इज इक्वल टू 5420 रूट 2 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया दैट ट्रायंगुलर पोर्शन आर दैट पेंटेड एरिया पेंटेड तो दैट नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 एंड 10 एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें जिसकी दो साइड 18 और 10 है और पेरिमीटर दिया गया 42 सेंटीमीटर हमने एरिया फाइंड करने इस ट्रायंगल को सबसे पहले हम इसकी थर्ड साइड फाइंड करेंगे इस ट्रायंगल की हम निकालते हैं थर्ड साइड उसके बाद हीरोन फार्मूला अप्लाई करके निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसका सॉल्यूशन हियर गिवन फर्स्ट टू साइड्स ए इसकी फर्स्ट साइड क्या दी गई है 18 सेंटीमीटर के बराबर है इस ट्रायंगल की फर्स्ट साइड 18 सेंटीमीटर इसकी फर्स्ट साइड है बी इसकी सेकंड साइड इसके बराबर दी गई है 10 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर व्हिच इंप्लाइज दैट